हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल उत्तराखंड कंप्यूटर। टुडे आई एम टेलिंग यू मैं सम इंटरेस्टिंग फंक्शंस इन एक्सेल। बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन बताने जा रहा हूँ मैं आपको, और वीडियो में बने रहिएगा। जैसे सपोज हम मैंने यहाँ क्लिक किया तो एंटायर शीट जो हमारी सेलेक्ट हो गई है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ फंक्शंस के ये नंबर्स के यहाँ पॉइंट पे क्लिक करना है और मैं यहाँ कस्टम में जाऊँगा और कस्टम में जा कर के जर्नल्स को यहाँ से रिमूव करके मैं थ्री सेमी कॉलन्स लगा दूंगा और ओके कर दूंगा। तो देखिए जो ऑलरेडी लिखा था वो भी हाइड हो गया। तो यहाँ आप नंबर भी टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक वो डिसअपेयर हो जाएंगे। तो ये एक मैजिक ट्रिक है जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अब गाइस उन नंबर्स को रिटर्न फिर से आपको वापस देखना है तो फिर से एंटायर शीट को सेलेक्ट कीजिए और इस कस्टम के ऑप्शन में जाएंगे और जो आपने थ्री सेमी कॉलम्स लगाए हैं इनको रिमूव कर दीजिए और ओके कर दीजिए। लीजिए आपके नंबर्स वापस आ गए। चलिए गाइस अगले ट्रिक पे पहुंचते हैं। ये होता रहा फिल नंबर्स। बेसिकली होता है क्या है कि हमें जब नंबर फिल करने होते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे वन लिखा, टू लिखा, फिर हमने उन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और इस पॉइंटर पर आके ड्रैग कर देते हैं तो हमारे ऑटोमेटिक जो नंबर्स हैं वो फिल आ जाते हैं। इसके अलावा आप सीरीज़ के थ्रू कैसे कर सकते हैं गाइस, जैसे बहुत ज़्यादा नंबर लिख लें, सपोज आपको 1 2 मैंने लिखा और ये यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ तक जितने भी नंबर आते हैं मैं चाहता हूँ वो यहाँ नंबर्स आ जाएं। तो इसके लिए मैं शॉर्टकट कीज़ भी बता देता हूँ। शॉर्टकट होगा Alt-E-I-S और यहाँ सीरीज़ में स्टॉप वैल्यू सपोज मैंने 20 दिया है, एंटर कर देता हूँ तो 20 मार्क्स हो। बट गाइज जब आपके पास बहुत सारे, सपोज आपको 3000 नंबर फिल करने हैं तो यहाँ पे 1 लिखिए, 2 लिखने की नीड नहीं है और आपको फिर से सीरीज़ में जाना होगा तो फिल में जाएंगे और सीरीज़ में जाएंगे। गाइज इसे हम शॉर्ट में भी ला सकते हैं। ये शॉर्ट में लाने के लिए आपको Alt-E-I-S ही करना होगा और यहाँ पे आप रो में फिल कर रहे हैं या कॉलम में वो यहाँ से ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए। हमें कॉलम में देना है और यहाँ पर आकर के आप सपोज हमें 4000 नंबर्स तक चाहिए और यहाँ ओके कर दीजिए। तो सिंपल गाइस आप देखेंगे आपके नंबर्स 4000 तक फिल हो गए। ओके, तो यही चीज़ अब आपको राइट साइड में चाहिए, रो में चाहिए, तो आप इसको रो पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ सीरीज में जाइए, रो लीजिए और कहाँ तक चाहिए नंबर आपको, सपोज आपको 1500 तक नीड है और जस्ट ओके कर दीजिए तो आप देखेंगे 1500 तक नंबर्स ऑटोमेटिक फिल हो गए। ओके गाइस चलिए नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं, फाइंड एज। अब सपोज करो किसी की डेट ऑफ बर्थ ये है और करंट डेट ये है और हमें इसकी एज जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए गाइस हमें एक फार्मूला लगाना होगा जो कि होगा क्या, ये है आपको लिखना होगा डेटेड इफ़। और यहाँ पर क्या करेंगे आप, आपको ध्यान देना होगा कि जो आपकी प्रेजेंट करंट डेट है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो देंगे कोमा, फिर आपकी करंट डेट आ जाएगी और फिर आपको यहाँ पर टाइप करना होगा वाई फॉर यस। ओके, और यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। गाइस एक चीज़ और बता दूँ, इस फॉर्मूले में यदि आप ड्रैग करते हैं तो ये ड्रैग में वर्क नहीं करता है, सब में अलग से कंडीशन लगानी होगी आपको। सपोज इस वाले मैं फिर से लगा के दिखा देता हूँ, यहाँ आपको टाइप करना होगा डेटेड इफ़ और आपको डेट ऑफ बर्थ देनी है, कोमा, फिर करंट डेट देनी है और यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क में वाई टाइप करना है, एंटर करेंगे और डेट आ जाएगी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब सपोज हमारे पास यहाँ कुछ लिखा हुआ है, एक दो वर्ड है हमारे पास उत्तराखंड कंप्यूटर और एक नाम लिखा हुआ है। अब इसमें आप टेक्स्ट के जो वर्ड का फर्स्ट लेटर है उसे कैपिटल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला लेना होगा इक्वल और टाइप करना होगा प्रॉपर और इसको सेलेक्ट कीजिए और ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। देखिए आप फर्स्ट लेटर जो है ऑटोमेटिक कैपिटल हो गया है। फिर से एग्जांपल देते हैं आपको, इक्वल और टाइप करना है प्रॉपर और नेम लीजिए और एंटर कर दीजिए। आपका नेम जो है वो नेम का वर्ड जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो गया। चलिए गाइस नेक्स्ट वाले फॉर्मूले पे आते हैं। यहाँ पे है हमारा डिलीट ब्लैंक। सपोज करो हमारे यहाँ पे कुछ रोज़ ब्लैंक हैं, हम यहाँ इंसर्ट कर लेते हैं रोज़ को कुछ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3 रो इंसर्ट करने जा रहा हूँ, ये सपोज डिलीट हो गया है और हम इसे इंसर्ट कर रहे हैं। अब ओनली रोज़ को हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जो वो सिलेक्टेड ब्लैंक हैं वो सभी हमें सिलेक्टेड शो हो जाए तो इसको टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर हम फाइंड सेलेक्ट में जाते हैं और यहाँ गो टू स्पेशल में जाएंगे और यहाँ गाइस आपको ऑप्शन मिल रहा है रेडियो बटन बना हुआ है ब्लैंक, तो ब्लैंक लिया और ओके। तो आप देखेंगे सिर्फ जो हमारे ब्लैंक एरिया थे रोज़ वही सिलेक्ट हुए। अब इन रोज़ को डिलीट करना है तो यहाँ डिलीट में जाइए और डिलीट सीट रोज़ पे क्लिक करेंगे तो ओनली सिलेक्टेड ही डिलीट होंगे। अब गाइस आपको कोई कॉलम है, जो कॉलम है ब्लैंक है उसको आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, यदि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं तो मैं सिर्फ यही ले रहा हूँ।
इसमें हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस हो जाएगी, आपको गो टू स्पेशल में जाना होगा और यहाँ ब्लैंक लेना होगा और ओके कर देना। देखिए आप कॉलम हमारा सेलेक्ट हो गया है, अब यहाँ से डिलीट ऑप्शन में जाएंगे और डिलीट शीट कॉलम करेंगे, डिलीट हो जाएगा। ओके गाइस।